प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल इस दौरे में मोदी का पहला पड़ाव म्यांमार होगा, जिसके बाद मोदी G20 सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और फिर इस दौरे को आगे बढ़ाते हुए मोदी अपने आखिरी पड़ाव फिजी भी जाएंगे। म्यांमार में प्रधानमंत्री आसियान इंडिया सम्मेलन और पूर्वी एशियाई सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि वहां वो आंग सान सू से भी मुलाकात करेंगे, फिर वहां से रवाना होते हुए पीएम ऑस्ट्रेलिया के G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरे को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस दौरान वो 40 नेताओं से मुलाकात करेंगे। मोदी ने देश की जनता से भी यात्रा को लेकर सुझाव मांगे हैं। ये सम्मेलन म्यांमार की राजधानी नेय पी ताव में 12 और 13 नवंबर को होंगे। म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री फिजी दौरे पर भी जाएंगे। मोदी ने विदेश दौरे पर जाने से पहले मंत्रिमंडल बैठक की। विस्तार के बाद हुई इस पहली कैबिनेट बैठक में पीएम ने मंत्रियों को कई सुझाव दिए। मंत्रियों से प्रधानमंत्री की यह बैठक 20 मिनट तक चली। इस दौरान मोदी ने कहा कि सभी मंत्री संसद सत्र में सवाल जवाब के लिए तैयार रहें। उन्होंने मंत्रियों से आपसी तालमेल बनाए रखने को भी कहा। इस विदेश दौरे में पीएम चीन के प्रधानमंत्री ली के कियोंग से आपसी विवाद के मसले पर बात करेंगे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट से भी परमाणु सहयोग समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। एक्सएन न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।